शहर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शनिवार को लोगों का सब्र जवाब दे गया और वे चौकी आधम के जयदेवपुर और वृंदावन कॉलोनी में लगातार चोरी की घटना से लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, एक के बाद एक लगातार चोरी हो रही है और पुलिस ना तो चोर पकड़ पा रही है और ना ही चैन स्नेचर से निजात दिला पा रही है। आरटीओ चौकी पहुंची महिलाओं का कहना है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, पूछने पर पुलिस कर्मियों की अन्य जगहों पर ड्यूटी जाने की बात कही जा रही है। ऐसे हालातों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ना तो पुलिस की गश्त है और ना ही अराजक तत्वों में पुलिस का कोई खौफ। साथ ही लोगों ने कहा है कि अगर जल्द चोर नहीं पकड़े गए तो वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना देने को मजबूर होंगे। हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही है क्योंकि मामला ये है, हमारे यहाँ हुई है चोरी, चोरी हो गई है 4-5 बार। आज हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए तो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। कल शाम को आए थे तो इन्होंने मना कर दिया। जिनके घर में चोरी हुई थी वो खुद आए थे 2-4 लोगों को लेके। आज हम सारे के सारे कॉलोनी वाले आए हैं यहाँ पे, इनसे कह रहे हैं कि एफआईआर लिखो, लेकिन ये लिख नहीं रहे हैं एफआईआर हमारी। इनका कहना ये भी है एफआईआर तो हम लिख देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास अभी चौकी में कोई है नहीं, हमारे पास 2 सिपाही थे वो फिलहाल वहाँ लगे हुए हैं। इस टाइप की बातें ये कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होना चाहिए यहाँ पर को। और आज कल मेरे घर में होगा, परसों इनके घर में होगा, और हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारी कॉलोनी में आए दिन चोरी हो रही है, लोग बाग अपने गेट से बाहर निकलते हैं, गले का मंगलसूत्र छीन के लेके जा रहे हैं, लोग बाग सब्जी लेने जा रहे हैं उनके हाथ में फोन होते हैं वो हाथ से फोन लेके चले जा रहे हैं। ये वृंदावन कॉलोनी जयदेवपुर हल्द्वानी हरिपुर नायक। देखिये विगत 5-6 महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और पुलिस पर जितनी बार लोग यहाँ एफआईआर करने आते हैं तो हर बार उनको इस बात से कह दिया जाता है कि आप हम उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं या फिर आपके बच्चों के लिए बाद में परेशानी हो जाएगी, तरह तरह की बातें करके उनको खाली ऐसे बहला फुसला करके घर भेज दिया जाता है। कल जिस तरह की उनके घर पर चोरी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे उनके तोड़ दिए गए, उसके बाद उनके घर के साथ दरवाजे तोड़ करके चोरी की गई है। मैं पुलिस से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप हमें आईटीओ जो चौकी बना के दी गई है इसलिए बना के दी गई है कि यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, नहीं तो मुखानी चौकी में थे, इस चौकी इसलिए मिली कि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, 200 मीटर 300 मीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आपने पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा जवाब मेरा ये है। रात्रि गश्त आपका जरूर होना चाहिए, उससे क्या होगा, जनता जागरूक होगी। अगर आपकी गाड़ी 2 या 3 चक्कर ग्राम गलियों में जाएंगी तो निश्चित रूप से जनता जागरूक होगी। और कल जिस तरह से वो आए हुए थे, अगर एफआईआर बात कर, कल जैसे चोरी हुई थी वो एफआईआर करने के लिए यहाँ पर आए तो उनकी एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर आपने क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एफआईआर कल ही आप कर देते तो आज इतने लोगों को आने की जरूरत नहीं थी। आप पुलिस अपना काम कर रही है, हम पुलिस पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं बना रहे, हम सिर्फ अपनी बात रखना आए हैं। मैं तो कल शाम भी आया था यहाँ ये रिपोर्ट लिखाने पर, उन्हें लिखी नहीं, अभी भी गए तो अभी भी नहीं लिख रहे। अभी वो करीब 1.5-2 लाख का, 2 लाख करीब। अब इसमें तो प्रशासन जाने क्यों नहीं पेट्रोलिंग करती है भाई, वो तो उनका काम है, हमारा तो है नहीं। मेरे को एफआईआर लिखवानी बस, इसलिए वजह से लोग आए सब।